दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक की थर्ड चैप्टर डिस्कवरिंग टिडलसागा कंटिन्यूज के, जिसे लिखा है एआर विलियम्स ने। इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं कोशिश करूंगा आपके सामने प्रेजेंट करने की जल्द से जल्द। तो तुतनखामेन एक टीन एजर थे जो अपने टीन एज में उनकी मौत हो गई। वो एक बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे जिन्होंने इजिप्ट पे सेंचुरीज तक रूल किया था। जब इनकी मौत हुई तो इन्हें गोल्ड एंड अदर वैल्यूएबल ज्वेलरीज और जेम्स के साथ बरी कर दिया गया, दफन कर दिया गया और फाइनली दुनिया इन्हें भूल गई। इनकी टूम की डिस्कवरी 1922 में हुई और इसके बाद ही मॉडर्न वर्ल्ड ने ये स्पेक्यूलेट करना शुरू कर दिया, गेस करना शुरू कर दिया कि क्या कुछ हुआ होगा इनके साथ, टीन एज में इनकी मौत कैसे हुई होगी। और सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी लोगों ने ये सोचा कि शायद इनका मर्डर कर दिया गया होगा। इनकी डिस्कवरी जब टूम की हुई 1922 के, उसके लगभग 80 सालों बाद यानी 2002 के आसपास तुतनखामेन की ममीफाइड बॉडी को सिटी स्कैन मशीन के अंदर ले गया गया और सिटी स्कैनिंग के थ्रू यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी के थ्रू और बहुत सारे मॉडर्न क्लूज मिले उनके लाइफ और डेथ के बारे में, जिसने इस बॉयश फेरो के लाइफ और डेथ के बारे में फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन करने का मौका दिया। यहाँ पे दो बातें आपसे बताना चाहूंगा। पहला कि फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, देखिए मॉडर्न साइंस की मदद से जो क्लू मिले उसके जरिए पूरी स्टोरी को समझने की कोशिश की गई। और दूसरा, फैरो वर्ड इजिप्शियन किंग के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड हुआ करता था, जैसे रशिया के में जार वर्ड यूज करते हैं किंग के लिए। एक मेरा सवाल भी है, ये इजिप्ट आखिर मॉडर्न टाइम में किस कॉन्टिनेंट में है? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 5 जनवरी 2005 को क्या हुआ कि वर्ल्ड की ये सबसे फेमस ममी है। ऐसा नहीं है कि ममीफाइड बॉडी और नहीं है, ममी किसको बोलते हैं समझ लीजिए। इजिप्शियन कल्चर में डेड बॉडीज के ऊपर प्रिजर्वेटिव केमिकल्स यूज करके डेड बॉडी को डिकम्पोज होने से लंबे समय तक बचाए जाने के लिए जो प्रोसेस थी उसको बोलते थे ममीफिकेशन, और उस तरह डेड बॉडी को बोलते थे ममी। तो इस ममी को जो है सिटी स्कैनर मशीन में 5 जनवरी 2005 को ले गया गया और इनके बारे में और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश की गई। ये यंग रूलर 3300 ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे। तुतनखामेन के ममी का सबसे जो स्ट्राइकिंग फीचर था वो उनका फेस था जो कि मास्क्ड है, और आपने जरूर देखा होगा गोल्डन मास्क उनका। ये देखिए मैं दिखा भी देता हूं। अब जाही हवास साहब ने इस ममी के बारे में कुछ बातें कही। ये जाही हवास कौन है? इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटी के सेक्रेटरी जनरल हैं। यूं समझ लीजिए कि इजिप्ट में पाए जाने वाले पुरातत्विक महत्व के सभी चीजों को की देखभाल करने वाले अधिकारी। तो इन्होंने कहा कि हार्वर्ड कार्टर ने 1920s में जो कुछ भी इस ममी के साथ किया, इस वजह से ममी बहुत बुरी कंडीशन में है। अब सवाल आता है ये हार्वर्ड कार्टर कौन थे साहब? तो हार्वर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में तुत की टूम की डिस्कवरी की थी, और इसके लिए इन्होंने सालों अपना व्यर्थ किया था। अब देखा जाए तो तुतनखामेन की जो टूम थी, इस टूम में बहुत ही रॉयल रिच कलेक्शन था, तमाम वैल्यूएबल आइटम्स का, स्टनिंग आर्टिफैक्ट से लेकर के बहुत सारी चीजों का, और साथ ही साथ इन डेली लाइफ में यूज की जाने वाली वस्तुएं भी तुतनखामेन के टूम में थी, जैसे कि बोर्ड गेम्स यानी कि शतरंज, ब्रॉन्ज रेजर, अंडरगार्मेंट लिनेन के, और फूड और वाइन को रखने वाले केस का भी। अब इन चीजों के मिलने से क्या मालूम चलता है कि जो एंशियंट इजिप्शियन कल्चर के लोग थे वो रिजरेक्शन में भरोसा करते थे। रिजरेक्शन का मतलब होता है पुनर्जीवन, तो वो आफ्टर लाइफ में भरोसा किया करते थे कि इस जीवन के बाद भी अगला जीवन आएगा जहां पे इस किंग को इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए सारी चीजें वहां पर पाई गई थी। देखिए फैरो का जो फ्यूनररी ट्रेजर था यानी इनके मौत के बाद जो ट्रेजर इनके साथ इनके टूम में रखा गया था, कार्टर ने 1922 में जब इनकी टूम को डिस्कवर किया तो उसकी एक लंबी डिटेल बनाने में कई महीने लग गए कार्टर को, और इसके बाद उन्होंने जो है 3 नेस्टेड कॉफिन को एक्सप्लोर करना, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। 3 नेस्टेड कॉफिन, कॉफिन का मतलब होता है दोस्त ताबूत, तो 3 लेयर में ये ताबूत थी। तो उन्होंने पहली लेयर निकाली तो इन्हें श्राउड मिला, कफन मिला,
और जिस पर क्या चीजें थी, विलो और ऑलिव लीव्स की गार्लैंड्स थी, फूलों की मालाएं थी। इसके अलावा वाइल्ड सिलियरी थी, लोटस पीटल्स था और कॉर्न फ्लावर था। और ये कॉर्न फ्लावर जो था ये एक फेडेड एविडेंस था कि ये जो बरियल हुआ होगा, उन्हें जो दफन किया गया होगा, वो मार्च या अप्रैल में हुआ होगा। जब फाइनली इस ममी को अंतिम लेयर तक वो पहुंचे जहां से इस ममी को निकालना था इसके कॉफिन से, तो वहां उन्होंने ये फील किया कि जिस केमिकल का यूज किया गया था वो रिचुअल रेजिन्स जो इनकी बॉडी पे रिचुअल के तौर पे लगाए गए थे प्रिजर्व करने के लिए इनकी बॉडी को, वो समय के साथ साथ इतने हार्ड हो चुके थे कि पूरी की पूरी ममी बुरी तरह से सॉलिड गोल्ड के कॉफिन में चिपकी हुई थी। और हॉवर्ड कार्टर ने सोचा कि किसी भी तरीके का लेजिटिमेट फोर्स लगाने पर भी, कोई भी प्रॉपर मेथड लगाने पर भी ताबूत से एक्चुअली इस बॉडी को निकाला नहीं जा सकता। अब किया क्या जाए, कार्टर ने अपने डायरी में लिखा भी। फिर उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि शायद सदर्न इजिप्ट में जो सूरज की चिलचिलाती धूप है वहां रखने पे ये जो केमिकल्स हैं, रेजिन्स हैं, ये धीरे धीरे मेल्ट कर जाए और वो बॉडी, इनकी ममीफाइड बॉडी निकल पाए। तो उन्होंने 149 डिग्री फॉरेनहाइट पर बाहर इनके कॉफिन को रख भी दिया, पर इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और फाइनली इन्हें लगा कि अब कोई तरीका नहीं बचता है, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अब तरीका निकाला, सिसल की मदद से इन्होंने इनके लिम्ब को ट्रंक से बाहर निकाला। और यही इकलौता तरीका उन्हें समझ में आया कि किंग्स के मॉर्टल रिमेन्स को वहां उस कॉफिन से बाहर निकाला जा सके। कार्टर ने अपनी डिफेंस में कुछ बातें भी कही। उन्होंने कहा कि देखो, मेरे पास कोई चॉइसेस बची नहीं थी, मैंने सूरज की धूप में मेल्ट करने की कोशिश की रेजिन्स को, वो निकला नहीं। और मैं अगर इस बॉडी को फ्री करके वहां से नहीं निकालता तो शायद चोरों का कहीं ना कहीं समूह आ करके यहाँ से बहुत सारे सोने को लूट ले जाने के चक्कर में था, वो नुकसान पहुंचा देता। तो तुत्स की टाइम एक्चुअली में क्या था कि तुत्स की जब बॉडी ढूंढी गई थी तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं था, इट वॉज अ काइंड ऑफ ट्रेजर हंट, एक तरह का नहीं, खजाने की तलाश होती है। तो वहां बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ था, तो ये चीजें चोरों को भी अट्रैक्ट कर रही थी, बहुत सारे डकैत्स को भी अट्रैक्ट कर रही थी। तो इस वजह से इन्हें, इनके पास चॉइसेस बहुत कम थे, इन्हें जल्दी जल्दी वो सारी चीजें करनी थी। देखा गया इनके टूम्ब को तो वहां पर बिल्कुल रॉयल कलेक्शन लैविश तरीके से रखा हुआ था, ग्लिटरिंग गोल्ड की बनी हुई बहुत सारी चीजें थी, जैसे नेकलेस थे, ब्रेसलेट थे, रिंग थे, एमुलेट थे, सेरेमोनियल एप्रन थे, इवन फिंगर्स और टोस के लिए शीट तक प्योर गोल्ड की बनी हुई थी। और इनका जो आइकॉनिक मास्क है ना कॉफिन का, इनका फेस का, ऑल प्योर गोल्ड का बना हुआ, वो सब कुछ था वहां पर। और ये बताता है कि ये जो किंग्स थे इजिप्ट के, वो सोचते थे कि शायद मौत के बाद भी वो अपने इस वेल्थ को अपने साथ ले जा पाएंगे। तूतनखामेन को उनके एडॉर्नमेंट से, जो उनके गहने थे, उनसे हटाने के लिए कार्टर के लोगों को क्या करना पड़ा कि उनकी मम्मी के हेड को और सारे जॉइंट्स को, जो जॉइंट्स होता समझ रहे हो, जो हाथ पैर में जोड़ होते हैं, घुटनों के जोड़ है ना, इन सारे जोड़ों को सीवियर करना पड़ा, काट के थोड़ा अलग करना पड़ा। और जब ये सारे गोल्ड आइटम्स निकल गए तो उन्होंने फिर से इसको रीअसेंबल कर दिया और नीचे क्या है कि कुशन जैसा लगाकर उसको फिर से जोड़ दिया और फिर से तूतनखामेन को उस जगह पे रख दिया जहां पे वो पाए गए थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, देखो डिकेड्स में, सेंचुरीज में काफी परिवर्तन आया। पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे का मतलब होता था ट्रेजर हंट, किसी भी पुराने शिप के, जैसे टाइटेनिक डूबा है तो उसमें जरूर बहुत सारा पैसा होगा, या इस तरह कोई राजा या रानी का महल होगा तो पैसा होगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया करते थे। बट विद द प्रोग्रेशन ऑफ टाइम, उस समय की सोसाइटी को समझने के लिए लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए कि उस समय की लाइफ कैसी रही होगी, उस समय जो पॉपुलर किंग थे उनकी डेथ कैसी रही होगी, वो उन मिस्ट्रीज को जो है डिसाइफर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगे लोग। और अब क्या था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज भी काफी कुछ बढ़ चुका था। जैसे 1968 में, 1922 में इनको टूम डिस्कवर किया गया और 1968 में 40 सालों बाद एक्सरे की मदद से एक एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, उन्होंने ममीफाइड बॉडी को एक्सरे किया। तो उन्होंने एक्सरे में एक बहुत रहस्यमयी बात को खुलासा किया। उन्होंने कहा कि देखो, इस ममी के लेफ्ट रिब केज का तो पता ही नहीं चल रहा है, इसके ब्रेस्ट बोन्स और कुछ फ्रंट रिब्स मिसिंग हैं, टूटे हुए हैं या गायब हैं। आज डायग्नोस्टिक प्रोसेस और भी जब मॉडर्न हो चुकी है, सिटी स्कैन मशीन हो चुकी है जिसके जरिए हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे क्रॉस सेक्शन में
बिल्कुल 3D मॉडल में निकाले जाते हैं, तो उसके जरिए क्यों ना इनका सीटी स्कैन कराया जाए, लोगों ने ऐसा सोचा। और इससे इन्हें दो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते थे हिस्टोरियंस को। पहला ये कि तूतनखामेन की आखिर मौत हुई कैसे, और दूसरी ये कि इनकी मौत के समय उम्र क्या थी। तो इन लोगों ने ये चीज़ें की। अच्छा, ये आगे बताऊंगा कि सीटी स्कैनिंग कैसे हुई, बट इसके पहले ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते, तो इनकी फैमिली के कुछ प्रोमिनेंट इनके प्रेडिसेसर्स, इनके पूर्वजों के बारे में जान लेते हैं कि एमेनहोटेप III जो थे तुत के ग्रैंडफादर थे, और जो कि बहुत ही पावरफुल फैरो थे, और लगभग इन्होंने 4 decades तक, लगभग 40-50 साल तक इन्होंने शासन किया था। और इनकी डायनेस्टी का वो गोल्डन एज कहा जाता था, क्योंकि उस समय बहुत प्रॉस्पेरिटी थी। अच्छा, लेकिन एमेनहोटेप III के जो बेटे थे एमेनहोटेप IV ने, उन्होंने बड़ा ही एक स्ट्रेंज पीरियड एनिशियंट इजिप्ट की हिस्ट्री में लाया। ऐसा इन्होंने क्या किया, एक्चुअली में जो ये नए फैरो थे एमेनहोटेप IV, इन्होंने गॉड एटन की वर्शिप को प्रारंभ कराया। अब गॉड एटन का मतलब इजिप्शियन कल्चर में एटन बोलते हैं, ग्रीस कल्चर में, ग्रीक कल्चर में कहना चाहिए, ग्रीक कल्चर में अपोलो बोलते हैं, और इंडिया में सूर्य भगवान कहते हैं। तो वो सूर्य भगवान की पूजा उन्होंने प्रारंभ कराई, और अपना नाम इन्होंने रखा एखेनएटन, जिसका मतलब था सर्वेंट ऑफ एटन, सूर्य के दास। और उन्होंने रिलीजियस कैपिटल इजिप्ट की थीब्स थी वहां से हटाकर इन्होंने क्या किया कि एक नई जगह पे कर दिया, उसका आज का मॉडर्न नेम अमरना है। तो अमरना में इन्होंने उस जगह को, रिलीजियस कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि जो पुराने एमन गॉड थे यानी चांद देवता, उनकी बने हुए तमाम मेजर जो आइकॉन्स थे, मंदिर थे, टेम्पल्स थे, उन सबको तोड़ना शुरू कर दिया इन्होंने। रे जॉनसन जो कि शिकागो रिसर्च सेंटर लग्जर में डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये जरूरी बहुत बुरा टाइम रहा होगा एनिशियंट इजिप्ट की हिस्ट्री में। और ये फैमिली जिन्होंने सालों तक, सेंचुरीज तक रूल किया था, वो अचानक से धीरे धीरे बिल्कुल पागलपन के हद तक एखेनएटन के कदम होने लगे थे, और ये धीरे धीरे अपने एंड पे आ रहे थे। एखेनएटन की मौत हुई, और उसके बाद कुछ समय के लिए इसमें खड़े करके एक रूलर आए, बहुत कम समय के लिए रहे। इसके बाद तूतनखामेन आए शासन सत्ता में, और तूतनखामेन जिन्हें आज हमको किंग तुत के नाम से जानते हैं, ये बॉयश एज के थे, काफी यंग एज के थे, और इन्होंने सबसे पहले अपना नाम बदला। इन्होंने कहा मेरा नाम तूतनखामेन से हटा करके, जो एटन वर्ड से हटा कर एमन लगाओ, तो इन्होंने कहा मेरा नाम तूतनखामेन करो, जिसका मतलब था लिविंग इमेज ऑफ एमन, चांद देवता के जीते जागते स्वरूप। और इन्होंने पुराने वेस वर्शिप करने के रीस्टोर किए, और लगभग 9 सालों तक इन्होंने शासन किया, और अचानक से इनकी मौत हो गई। अब चाहे इनकी मौत या जन्म, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि एक ममीफाइड बॉडी के रूप में पाए गए जब इन्हें डिस्कवर किया गया। तो सवाल था क्या इजिप्ट में और भी ममीज थे, तो जी हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल थे। कितने अंदाजा नहीं है। इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट एक मॉडर्न वर्ल्ड में चलाया गया 2003 तक। इसके इन्वेंट्री में लगभग रिकॉर्ड किया गया कि 600 से अधिक ममी मिल चुके हैं, और काउंटिंग अभी भी जारी है। तो इन ममीज को स्कैन भी किया जा रहा था पोर्टेबल सिटी मशीन के जरिए। ये पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेट की थी 2 लोगों ने मिलकर के। पहली सोसाइटी थी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी जिसने इजिप्ट को ये डोनेट किया था, और दूसरी साइमेंस वो कंपनी थी जिन्होंने पोर्टेबल सिटी मशीन बनाई था। किंग तुत को भी सबसे पहले स्कैन किया गया, और इनकी जब सिटी स्कैनिंग शुरू हुई हेड से लेकर टो तक, तो लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शन में इनके आए। तूतनखामेन की पूरी बॉडी की 0.62 mm के स्लाइसेस में पूरी बॉडी इनकी देखी गई। तो आप समझ सकते हैं कितनी ईयरी डिटेल इनकी रखी गई थी। इनकी पूरी की पूरी बॉडी को स्कैन कर लिया गया था, और इसके दौरान बहुत सारे एक्सपर्ट्स की टीम थी, रेडियोलॉजिस्ट थे बहुत सारे, यानी जो एक्सरे एक्सपर्ट्स होते हैं, फॉरेंसिक साइंस के लोग थे वहां पर, एनाटॉमी के प्रोफेसर्स थे वहां पर, और इन लोगों ने इनके बारे में जानकारियों को, जो भी फैक्ट और डिटेल मिल रहे थे उसको, जानकारियों को एनालाइज किया होगा। जिस रात स्कैनिंग शुरू हुई थी, टूम्ब से इनके बॉडी को निकाला गया था, कॉफिन को निकाला गया था, तो इनके बॉडी को लेकर वर्कर्स बिल्कुल पाल बेरर के अंदाज में ट्रेलर में जो सीटी स्कैनिंग मशीन रखी थी वहां तक लेकर आए थे। अच्छा, पॉल बेरर क्या होता है, बट पॉल बेरर जो शव को अंतिम यात्रा में समय कंधे देते हैं उन्हें बोलते हैं।
इन्हें हाइड्रोलिक लिफ्ट में ले गया गया, लेकिन 20 मिनट बाद ही सीटी स्कैनिंग मशीन खराब हो गई। लोगों ने आके बताया कि सीटी स्कैनिंग मशीन का जो फैन, कूलिंग फैन है, वो खराब हो गया है। फाइनली एक फैन से उसको रिप्लेस किया गया और देखा गया कोई डेटा लॉस तो नहीं हुआ, कोई डेटा लॉस नहीं था। फाइनली फिर से इनको लेकर के वापस फ्यूनररी पोजिशन में जहाँ पर इनका प्लेस था वहाँ रख दिया गया। जाहिर आवाज के सामने ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, तो इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये। तो जाहिर आवाज ने फाइनली ये जब सब काम हो गया तो बहुत रिलीफ फील किया और उन्होंने कहा कि मैं रात भर सोया नहीं था, एक सेकंड के लिए मेरी आंखें नहीं सोई थी, अब मैं खुश हूँ कि सारा काम खत्म हो गया, अब मैं घर जाकर आराम से सो सकूंगा। जब इनके बॉडी को ले गया गया तो मम्मी फाइट बॉडी को नीचे ले गया गया, उस समय इनके टूम के जस्ट ऊपर ओरियन कॉन्स्टेलेशन, तारा मंडल जिसको बोलते हैं हम, ओरियन नाम का तारा मंडल दिख रहा था। और ये इजिप्शियन लोगों के कल्चर में माना जाता है कि जो ओरियन तारा मंडल है वो गॉड ऑसिरिस को रिप्रेजेंट करता है। गॉड ऑसिरिस गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ है, इस जिंदगी के बाद की जिंदगी की देवता है, और शायद उस कॉन्स्टेलेशन के जरिए वो इस बॉयज किंग को फिर से देख रहे थे। दैट्स हाउ द चैप्टर कम्स टू एन एंड। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।